Assalamu alaikum class, how are you? I hope all of you are fine. So now let's start the class, grade 3. क्लास आज की जो राइटिंग है बेटा वो आप लोगों ने हिस्सा ग्रामर में करनी है. ओके, सबसे पहले आप लोगों ने तारीख लिखनी है जो कि है 7 दिसंबर 2020, जमात का काम और दिन पीर. ओके, फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने गाफ़सन लिखना है जो कि है गरीबों की मदद करें. गाफ़सन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है उनवान. उनवान के बाद नेक्स्ट लाइन के सेंटर में लिखना है ख़त और जो कि है अम्मी जान के नाम. और ये ख़त के नीचे आप लोगों ने लिखना है अम्मी जान के नाम. ओके, ख़त लिखने से पहले मैं आप लोगों को ख़त के मुतालिक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में हमारे पास इतनी सहूलियात मैसर हैं जैसे कि मोबाइल इंटरनेट वगैरह के ज़रिए हम बआसानी अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, जबकि पहले के दौर में ये सहूलियात लोगों को मैसर नहीं थी. जैसे कि मोबाइल इंटरनेट ये वगैरह की सहूलियात मैसर नहीं थी तो लोग ख़त के ज़रिए अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाते थे. आइए हम अपने ख़त का आगाज़ करते हैं. ये लिखने के बाद आप लोगों ने एज इट इज़ इसी तरह आप लोगों ने राइट करना है. अपनी मार्जिन लाइन के साथ लिखना है अस्कमरा इम्तिहान. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे रावलपिंडी. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 7 दिसंबर 2020. ओके, वन लाइन स्किप करते हुए एज इट इज़ इसी तरह राइट करना है. ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के सेंटर में जाएंगे और लिखेंगे सलाम, अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद एग्जामिनेशन मार्क का साइन डालेंगे. अब यहाँ तक लिखने के बाद अब आप लोग अपना ख़त शुरू करेंगे वन लाइन स्किप करते हुए. ओके, और एग्जामिनेशन मार्क के बिल्कुल ऑपोजिट आना चाहिए आप यहाँ पे, ठीक है. मार्जिन लाइन के फ्रंट साथ नहीं लिखना, यहाँ से सेंटर से यानी कि स्टार्ट करना है. हमारी नई जमात में पढ़ाई का आगाज़ हो गया है. मैं रोज़ाना स्कूल जाती या जाता हूँ. अब आप लोग जानते हैं अगर लड़की है तो वो जाती इस्तेमाल करेगी, अगर लड़का है तो वो जाता लिखेगा. हमारी उस्तानी बहुत मेहरबान और मेहनती हैं. रियाजी की उस्तानी भी बहुत काबिल और आला तालीम याफ्ता हैं. स्कूल के प्रिंसिपल नज़्म व नक्स के पाबंद हैं, इसलिए स्कूल में पढ़ाई का मायार बहुत अच्छा है. आप मेरे लिए दुआ फरमाएं. ये हो गया हमारा ख़त जो कि आप लोगों ने पैराग्राफ फॉर्म में राइट करना है. राइट करने के बाद फरमाएं लिख दिया, यहाँ पे एंड हो जाएगा. उसके बाद आप लोगों ने अपने मार्जिन लाइन के साथ यानी कि लेफ़्ट साइड पे लिखना है वस्सलाम, लेकिन मार्जिन लाइन के अंदर ही. ओके, बाहर नहीं जाना. वस्सलाम लिखना है. वस्सलाम लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपकी प्यारी या प्यारा बेटी या बेटा. जैसे आप लोगों को पता है लड़की है तो प्यारी लिखेंगे, लड़का है तो प्यारा लिखेंगे. यह लिखने के बाद लास्ट लाइन में लिखना है नाम लिखेंगे. नाम लिख के आगे आप लोगों ने अपना अपना नाम लिखना है. ओके, ये था आज का हमारा ख़त जो कि उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. एज इट इज़ इसी तरह बेटा आप लोगों ने राइट करना है और राइट करने के बाद 3 times अपने रफ रजिस्टर्स पर भी राइट करना है. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़.